eye, earring, and pendant. And I love this jewelry. This is so beautiful and so amazing. And thank you for this gift. जी हाँ, मैं आज यहाँ इसके क्लब में आई हूँ. शरद पूर्णिमा जो है, इवेंचुअली अभी नवरात्रि था तो 9-10 दिन काफ़ी लोगों ने इन्जॉय किया है और एक बहुत ही धार्मिक उत्सव है. लोग बहुत जोश से आते हैं, ऑल कलरफुल ड्रेसअप. तो अभी 2-3 दिन ही हुआ है, शायद वी हैव फिनिश्ड विद द दशहरा, बट ये जो लास्ट टच होता है, वापस लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं, इन्जॉय करते हैं. सो मैं भी आई हूँ इन्जॉय करने के लिए. एक्चुअली नवरात्रि इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, कलर एंड एवरीथिंग. सो मैंने सोचा कि हर कलर कलरफुल होता है अपने आप में. तो मैंने एक ये ब्लैक ड्रेस डिज़ाइन किया है. इट्स बीन डिज़ाइन बाय मी, ऑल द स्टाइल्स इज बीन डन बाय मी. और मैंने इसको शिमर वाली क्लच से एंड यस स्टोन ज्वेलरी के साथ मैच किया है. सो दिस इज़ हाउ आई डिसाइडेड. एंड ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लैक को एक अलग टच दिया जाए. येस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट एंड टेल एवरीबॉडी दैट थैंक यू टू एन ज्वेलरी. दे हैव सेलेक्टेड मी एंड एज द ब्रांड एंडोर्समेंट मॉडल. एंड उनकी जो ज्वेलरी है वो हर एज ग्रुप के लिए है, एज इन फ्रॉम चाइल्ड टू अ टीन एजर टू मिडल एज टू एन मेच्योर एज. तो जब दे गॉट इन टच विथ मी सेइंग कि मैम वी लाइक यू टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ज्वेलरी, सो आई वॉज लाइक वाओ, व्हाट बेस्ट यू कैन आस्क फॉर. तो जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं गोल्ड अवार्ड्स के लिए गई थी, तो वहाँ उन्होंने मुझे एक गिफ्ट में टेंपल ज्वेलरी दी थी, जो मैंने एज एन अटायर पूरा मैंने अपना लुक डिसाइड किया था एंड आई हैड गिवन दैट लुक ऑफ बीइंग लिटिल मोर ट्रेडिशनल. आज मैंने टुडे आई हैव बीन गिफ्टेड विद दीज डायमंड स्टडेड इयररिंग एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. तो मैंने सोचा कि ब्लैक के साथ बोथ गोल्ड एंड सिल्वर यू नो विल कॉम्प्लीमेंट माई ड्रेस. तो मैंने ये ज्वेलरी पहनी है एंड यस, लोगों को एक बिलीव है कि पहले लोग कपड़े खरीदते हैं फिर मैचिंग के ज्वेलरी शूज़ वगैरह. बट जब मैंने इनकी ज्वेलरी देखी तो फर्स्ट आई वट एवर गिफ्ट आई गेट फ्रॉम टू ज्वेलरी उसको देख के मैं डिसाइड करती हूँ कि वाह व्हाट आई एम गोना मैच एंड व्हाट आई एम गोना वेयर विद दैट. येस, बींग एन बॉटर फ्रॉम मुस्लिम फैमिली ऑल्सो आई हैव बीन एजुकेटेड एंड आई हैव बीन थॉट दैट सारे धर्म सारे रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई सिटी, मैं एक कॉस्मो लाइफ मेरी जी है और मैं सारे धर्म को एक्सेप्ट करती हूँ, सबको सेलिब्रेट करती हूँ, बींग इट ईद, दिवाली, होली, नवरात्रि, क्रिसमस, न्यू ईयर. तो मैं सभी कुछ सेलिब्रेट करती हूँ. जी हाँ, मैंने 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एज एन गेस्ट, तो मैंने वहाँ जाके नवरात्रि इंजॉय करी थी और आज मैं यहाँ आई हूँ. ऑफ कोर्स यस, आई एम गोना इंजॉय, सोच के तो यही आई हूँ. यस, आकृति अक्कू हमारी कुल्फी जो है फ्रॉम कुल्फी कुमार बाजेवाला, मैं वो शो कर रही हूँ उसके साथ और मैं उसकी ताई जी गुंजन ताई जी प्ले कर रही हूँ. तो वो भी आ रही है इस इवेंट में एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बच्ची जो है वो सबकी जान है और मेरी तो फेवरेट है ही, जैसे आप सब लोगों की चहेती है. और वो अपने आप में एक बहुत ही खुशनुमा है और बहुत ही यू नो शी जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, वो जहाँ जाती हैं खुशियाँ बिखेरती है. तो वो भी आ रही है एंड यस, उसके आने के बाद इन्जॉयमेंट और बढ़ जाएगा हमारा. यस, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट मैंने बहुत सारे टेलीविजन एड्स किए हैं और करती रहती हूँ, वो अनगिनत है.
तो मुझे अब याद भी नहीं आ रहा कि मैंने मतलब हर ब्रांड के साथ बीइंग फूड प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, शूज़ है एंड यू नो होम अप्लायंस है, मैंने हर प्रोडक्ट के साथ एड्स किए हैं. यस विथ लॉस्ट बॉय प्रोडक्शन के साथ मैं एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ जो बहुत जल्द आपको ऑल्ट बालाजी पे देखने को मिलेगी, स्टूडेंट 2019 एंड आई थिंक स्टूडेंट 2020. दिस इज़ व्हाट दे इन द डायलेमा दैट व्हाट दे आर गोइंग टू नेम इट. तो यस यू विल बी सीइंग मी एंड प्लस मेरे दो और शोज आ रहे हैं तो बस चल रहा है थोड़ा बहुत. तो क्या है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर को टक्कर देने वाला है, क्या है वो? एग्जैक्टली बट स्टूडेंट ऑफ द ईयर वो फिल्म मैंने देखी नहीं है टू टेल यू वेरी फ्रैंकली. लेकिन हाँ जितना जो मैं शूट कर रही हूँ तो हमारी सॉरी या फर्स्ट सीजन मैंने देखा है, सेकेंड सीजन मैंने नहीं देखा है. तो ये हमारी हाई स्कूल की स्टोरी है जिसके अंदर आई एम प्लेइंग चेतना पांडे इज मॉम इन दैट. तो वही जो हाई स्कूल में जो बच्चों के अपने प्लाइट्स होते हैं, उनके अपने ड्रामास होते हैं, तो थोड़ा कॉमिक वे में है. तो लेट्स सी आप देखिएगा एंड खुद बताइएगा कि कैसी है. एक्चुअली बेसिकली मैं एक क्रिएटिव हूँ, आई एम क्रिएटिव डायरेक्टर, मैं एक राइटर भी हूँ. तो मूवीज़ मैंने काफ़ी करी है. जो लास्ट मैंने मूवी करी थी सैफ अली खान जी के साथ बाजार करी थी एंड उसके बाद मैंने कई पंजाबी फिल्में करी हैं और एक भोजपुरी फिल्म भी मैंने अभी लास्ट ईयर की थी. तो उसके अंदर आई वॉज प्लेइंग अ मुस्लिम कैरेक्टर रोल क्योंकि मुझे भोजपुरी आती नहीं है और क्योंकि पाकिस्तानी लेडी का रोल था तो जिस तरह से उनको एक काम कंपोज वॉइस लेडी चाहिए थी, साफ जुबान हो जिसकी, तो मैंने वो किया था. एंड क्योंकि डेढ़ साल से मैं दो शोज़ कर रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं फिल्मों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ. बट यस कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ आता है अपॉर्चुनिटी एंड इफ इट डजन गेट कोलाइड विथ माई शो सो मैं कर लेती हूँ. थैंक यू. I'm very happy and I'm very glad that Twin Jewelry, they are one of the organizers of this event, and that SK Club Resort, they invited me for this event as a guest. So I'm very happy and I'm looking forward to. And abhi event thodi der mein start ho jayega and then let's hope for the best. And planning to bahut achhi hai and the way they decorate and it's like wonderful. They fascinates and like marvelous. No, it's not like that. I celebrate and I believe in every festival because I talk to the Indian and hum Hindustan ke andar hame sare hi festival, chahe wo Eid ho, chahe wo Diwali ho, chahe wo Ramzan ho, chahe wo aapka ye Navratri ho, aur aaj to Sharad Purnima hai. So it's a very big and मुझे लगता है इन लोगों का बहुत ही beautiful event है ये. So इसे अच्छे तरीके से मैं enjoy करने के लिए आया हूँ. That's why I'm here. Yeah, I'm very happy and I'm very glad that Twin Jewelry ने उनको एक as an brand ambassador चुना है. So एक भाई के लिए उससे एक बहुत क्या फख्र की बात हो सकती है कि उसकी बहन को एज एन ब्रांड एम्बेसडर इन ज्वेलरी में चूज़ किया है. एंड सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. आई जस्ट फिनिश्ड वन फीचर फिल्म वे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई करियर इन बॉलीवुड सून एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू डू वन वीडियो एल्बम सॉन्ग विद. अभी वो क्लोज नहीं कर सकता, मैं ओपन नहीं कर सकता. सो वो एक अच्छा सस्पेंस है. सो जस्ट वेट एंड वॉच. ये इट्स अ वेरी रोमांटिक फिल्म एंड इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन थ्री पीपल. जो मैंने एज पर आई सेड दैट अभी मैं क्लोज नहीं कर सकता, तो जैसे ही हमें वहाँ से आदेश मिलेंगे तो उसको मैं ओपन कर दूँगा. एंड उसके अलावा आई एम अ मॉडल, आई डू मॉडलिंग फॉर ब्रांड क्लोथ्स एंड रिसेंटली आई एम अ मॉडल ऑफ अमेरिकन टूरिस्टर एंड जिपी के लिए, ब्रांड के लिए पीटर इंग्लैंड, इन सब के ब्रांड के लिए मैं मॉडलिंग शूज करता हूँ एंड आई एम अ मॉडल ऑफ अमेजॉन ऑल्सो. सो
थैंक यू। राज गरबा हो रहा था, हमने देखा बच्चे लोग भी काफी खुश थे आपको देखकर और आप भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, व्हाट आर यू सेइंग? एक्चुअली यहां पे सब इतने ब्यूटीफुल ड्रेस अप डे और इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग डांस कर रहे हैं। मुझे तो गरबा आता नहीं है पर इनको देखकर मेरा भी मन कर रहा था करने का। कभी इसके पहले मतलब कहीं गए हो गरबा के लिए तो प्रोग्राम में आपको याद हो या स्कूल में नहीं? मैं बहुत सारे डांस सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करती थी और इवन मैंने कथक भी किया 2 years। हम बात करते हैं, यहाँ बच्चे थे, बच्चे आपको देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उनको आपने प्राइजेस भी दिया, तो वो कैसा फीलिंग होती है? एक्चुअली मैं सबको प्राइज दे रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उन सबको एक रिस्पेक्ट देके, उन सबको एक ऑनर देके, तो आई वाज सो हैप्पी। आई वुड जस्ट लाइक टू से ऐड टू दिस के अब तक आकृति को माशाल्लाह से प्राइजेज और अवार्ड्स मिले हैं, तो अब आकृति ने सबको अवार्ड्स दिए हैं तो वो थोड़ा टैली हो गया आज, है ना? और आज अपनी जो जूली पहनी है एक्चुअली उनके बारे में ये इयररिंग्स और ये पेंडेंट बहुत 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 क्यूट, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अमेजिंग और बहुत सुंदर है। फ्रॉम ट्विन ज्वेलरी। यस। सो व्हाट हैव यू टू से लाइक यू आर एसोसिएटेड विद ट्विन ज्वेलरी, यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंट्री वन वे। यस। आकृति इज ओवर हियर, क्या कहोगे? पहले तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यस, ये मेरी जान है तो ये यहाँ पर है तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये इवेंट में ये आ पाई और मुझे वाकई लग रहा था क्योंकि यस बहुत हार्ड वर्किंग चाइल्ड है और इतना मतलब क्या बताऊँ ये कमाल है बस। तो मुझे यही था डायलॉग मामा के इनवाइट तो किया है, ये मैडम आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, बट यस जैसे आज SK क्लब में इतना बड़ा गरबा नाइट था और ट्विन ज्वेलरी इज़ वन ऑफ द स्पॉन्सर, तो मैं वाकई चाहती थी, मतलब दिल से चाहती थी कि आकृति आए और सबको अपने हाथ से गिफ्ट दे क्योंकि इतनी चहेती और सभी इसको इतना प्यार देते हैं और आपने देखा ही होगा कि बीइंग इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेलिब्रिटी बट इट्स मोर ऑफ व्हाट शी इज़ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन। और मैंने कहा ना उस टाइम भी जब आपने मेरा बाइट लिया कि शी इज़ जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, मतलब वो जहाँ जाती है सिर्फ कलर बिखेरती है, हंसती रहती है, शी इज एनिमल लवर, उसको पेड़ पौधे पत्ते मतलब किस चीज से प्यार नहीं है, आई डोंट नो, एंड शी लव्स मी आल्सो। यस। एक्चुअली यहाँ पर सब इतना ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी आवाज में इतना अच्छा गरबा सॉन्ग गा रहे थे तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। कुछ गाओगे आप जो भी आपको पसंद है, व्हाट आर यू फीलिंग, कैसे कर्फ्यू हुआ, कुछ गुनगुनाते होगे? नहीं एक्चुअली अभी मैं थोड़ी टायर्ड हूँ। अच्छा ऐसे अभी से जैसे टायर्ड आपने कहा तो कभी कभी पूरा दिन शूट होता है फिर बाद में यू नो लोग आते हैं इतनी सेल्फी इतने फोटोग्राफ, तो कभी कभी अच्छा लगता है कभी फिर यू फील के दिस इज, कभी कभार कभी कभार थोड़ा गंदा लगता है गंदा वरना बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। दे ऑल लव यू लाइक क्रेजी। अभी अभी यहाँ देखा इवन मतलब 1.5 साल का बच्चा दे नो के हु इज कुल्फी, मतलब रिमार्केबल है ना, 1.5 साल के बच्चे भी आके सेल्फी लिए हैं और क्या मतलब यू मेड इट। आपको याद है कभी कोई आपके फैन कुछ आकर आपसे कहा और विच यू not forget like you remember it like aap koi memory hai batao ya school mein bachcha aaya school mein ya aapke saath log aapke teachers kya bolti hai your favorite na yes you know jab mere school mein first day tha tab mere school mere class ke door ke baad pura school tha, pure school ke students aur 4 teacher classroom ke door ke baad khadi thi photo le li yes। How sweet! I wish I was that lucky when I was your age. You should say thank you to mummy. Your mother is so hardworking. I have seen. Papa bhi hai, but mummy is like remarkable. भैया भी है। भैया तो बहुत naughty है। बताओ। आज तुम्हें मौका मिला है। Actually बताओ क्योंकि ये कोई formal वो नहीं है। ये informal है। जो भी आज हार्दिक के लिए भी कुछ बोली दो।
वो चिढ़ा रहा है वहाँ से खड़ो के उसे। मेरे भैया मेरे साथ बहुत मस्ती करते हैं। आपको गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया बेस्ट एक्ट्रेस का, क्या कहना चाहेगी, इतना अवार्ड मिलना आपको? एक्चुअली मुझे जब अवार्ड मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे एक रिस्पेक्ट देते हैं अवार्ड के साथ, और वो रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, वी लव यू ऑल। Any message you'd like to give to your fans, जो कहना चाहोगे आप? मैं क्या कहूँ, आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतना देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो कोई कुछ सीरियल के अलावा any offers coming up, are you doing any films or something like that? Yeah, अभी हाँ, अभी nothing as in, and thank you so much। अब वो भूखी है तो she'll go and eat, चलो।